नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई सीट से नामांकन किया और नामांकन से पहले रोड शो के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया। हुड्डा बोले, मुख्यमंत्री का निर्णय आलाकमान करेगा। वहीं आज जुलाना सीट पर विनेश फोगाट ने नामांकन किया है। अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ ने भी आज ही पर्चा भरा है। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब 8 अक्टूबर को परिणाम के दिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक हरियाणा में लगा पाएगी या फिर हरियाणा में कांग्रेस करेगी इस बार वापसी। लड़ाई स्टार्ट हो गई है तो उस मोड में मैं चली गई हूँ। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार, ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। पहलवानी के दंगल से सियासी दंगल में कूदने वाली दिनेश फोगाट ने आज जुलाना सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ पर्चा भरने पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने कहा कि वो पूरे दिल से चुनावी कुरुक्षेत्र में आ चुकी हैं। मेरे लिए नई चीज थी, एक्साइटेड हो रही हूँ। अभी मुझे पता लग रहा है कि हाँ, लड़ाई स्टार्ट हो गई है तो उस मोड में मैं चली गई हूँ। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि जी जान से मेहनत करूँ। लोगों का जो विश्वास है, जो प्यार है, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं हर एक वो काम करूँ जो वो चाहते हैं, मेरे से उम्मीद करते हैं। जब आप पब्लिक लाइफ में आ जाते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप उनसे भाग नहीं सकते हो। मैंने ये चूज किया है तो मैं लोगों की भावनाओं की कदर करूंगी। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, स्पोर्ट्स करूंगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वो जिम्मेदारियां हैं, दीपेंद्र भाई साहब ने बहुत जिम्मेदारी के साथ मुझे यहाँ भेजा है, बहुत उम्मीदों के साथ में भेजा है। भूपेंद्र हुड्डा सर ने बहुत एक आश्वासन मेरे को दिया है और एक विश्वास भी दिखाया है कि हमें आप में भरोसा है, आप अच्छा करोगे। और मेरे को इस फील्ड में भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। मैं चाहती हूँ कि सबकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ। बस चुलाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने विनेश फोगाट पर दांव लगाया है तो गठबंधन की बात नहीं बनने पर आम आदमी पार्टी ने पूर्व WWE पहलवान कविता दलाल को दिनेश फोगाट के खिलाफ मैदान में उतारा है। कविता दलाल आम आदमी पार्टी की हरियाणा खेल शाखा की प्रमुख भी हैं। वहीं बीजेपी ने जुलाना से कैप्टन योगेश बैराड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन से पहले रोड शो कर लोगों से बीजेपी सरकार को हटाकर कांग्रेस सरकार बनाने की अपील की। क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपको हरियाणा में? बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था। हरियाणा की जो दुर्दशा की गई है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश के लोग बड़े बहुमत के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। वहीं बादली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। करनाल के घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हरविंदर कल्याण ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। उधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की हैट्रिक यानी लगातार तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया। लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा प्रदेश के कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ आएगी। और यहाँ बादली से जो जोश उत्साह था, मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ कि बादली में कमल का फूल खिला करके बादली के लोग चंडीगढ़ लेकर के आएंगे। वहीं कांग्रेस के गठबंधन में फेल हुई आम आदमी पार्टी ने आज अपनी चौथी लिस्ट जारी करते हुए 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अब तक आम आदमी पार्टी 90 सीटों में से 61 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। जहां बीजेपी दावा कर रही है कि 8 अक्टूबर को जनता तीसरी बार बीजेपी का राज तिलक करने जा रही है,
लेकिन कांग्रेस का दावा है कि जनता का आशीर्वाद इस बार कांग्रेस को मिलेगा। वहीं आप जेजेपी और आईएनएलडी जैसे दल उलट फेर की आस में दिख रहे हैं। संजय शर्मा के साथ अनमोल बाली, जुलाना आज तक। हमारे संवाददाता अशोक सिंगल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की। हुड्डा ने रोड शो कर कहा कि जनता बीजेपी की विदाई का मन अब बना चुकी है। हमारे साथ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने आज ही नॉमिनेशन फाइल किया। हुड्डा साहब, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए हरियाणा में इस वक्त? बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, महंगाई है। इस बार का चुनाव पिछली बार से कैसे? विकास ठप है। इस बार का चुनाव पिछली बार के चुनाव में क्या फर्क है? लोग मन बना चुके हैं छत्तीसगढ़ी की कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 10 साल जो हमारा कार्यकाल था कांग्रेस का, 10 साल इनका उन्होंने तोड़ के देख लिया। बुड्ढे साहब, ये कहा जा रहा है सरकार बुड्ढे साहब कह रहे कांग्रेस से ज्यादा आपके फेवर में लोग हैं, तो मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे? ये कांग्रेस पार्टी का है नियम है, एमएलए बनने के बाद अब जरूर पूछेगा, हाईकमांड फैसला करेगा। बुड्ढे साहब एक सवाल, और आम आदमी पार्टी से गठबंधन ही उससे क्या फर्क पड़ने वाला? हालांकि आप लोग चाहते थे कि अपने सक्षम है आप चुनाव लड़ने के लिए, आपने आला कमान को बता दिया। प्रजातंत्र है, उन्हें मर्जी है, अगर मजबूत है खुद स्वयं में मजबूत है। धन्यवाद। ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोग इस बार बीजेपी की सरकार को बदलना चाहते हैं। कैमरा मैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंगल, गढ़ी सांपला, खिलोई, हरियाणा। हरियाणा के नारायणगढ़ में कुमारी शैलजा की जनसभा में हमारी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा के नारे लगे, लेकिन आज तक से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम चुनाव के बाद तय होगा। कुमारी शैलजा बोली कि कांग्रेस के पास सिर्फ दलित और जाट ही नहीं बल्कि 36 जातियों का भी समर्थन है। हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा हरियाणा के गांवों का दौरा कर रही हैं। अब की बार क्या है सूरत हाल, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप हरियाणा के गांवों में जा रही हैं, शहरों में जा रही हैं, क्या माहौल आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, आप लोगों का उत्साह देखिए, लोगों का उत्साह देखिए आप, कि इतनी गर्मी में है और इनकी इच्छा है आज के दिन कि जल्दी से 5 तारीख आए और सरकार को पलटा जाए और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जन जन की इच्छा है, आज हर वर्ग की इच्छा है। लोगों का यही नजर आ रहा है कि अब भाजपा के तो दिन लग गए और वो आपको नजर भी आ रहा है जैसे भाजपा में भगदड़ मच रही है। और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से हमने काम किया है, मेहनत की है, जमीन में लोगों से जुड़े रहे हैं हम, तो कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आज लोग देखते भी हैं विकल्प, तो वो कांग्रेस नहीं देखते। हरियाणा के राजनीतिक दंगल में हमारे खास शो खाट पंचायत में आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला पहुंचे। अभय चौटाला बोले कि हरियाणा की जनता बीजेपी से त्रस्त आ चुकी है, इसलिए बदलाव तय है। बात की हमारी साथी श्वेता सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका। खाट पंचायत लेकर हम हरियाणा के टोहाना पहुंचे हैं और यहां पर हरियाणा के कद्दावर नेता और आईएनएलडी के प्रधान महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं। अभय चौटाला जी, बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो कहते हैं राजनीति अपने आप में खेल होता है, आप तो खिलाड़ी भी रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं, परख कर बताइए कि आपके हिसाब से हरियाणा की हवा इस बार क्या कह रही है? हरियाणा में एक फैसला तो लोगों ने कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। इस 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले थे वो मन मर्जी से थोपे गए थे लोगों के ऊपर। नड्डा जी बीजेपी की टीम में है, आपके पूरी तरह से बीजेपी का एक तरह से बी टीम नहीं, मैं ये कहूंगा ए प्लस टीम है। नहीं, पर सरकार किसकी बनेगी? सुनो ना, वो इन मुकदमे से बचना चाहता है। लोगों का विश्वास केवल एक आदमी पर टिकता है इस प्रदेश में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे। और लोग आज जब से हमारा गठबंधन हुआ है बसपा का और आईएनएलडी का, उस गठबंधन के बाद
लोगों का एक अलग हौसला है। मैं ये नहीं कहता कि हमको 40 सीट जीतेंगे 50 जीतेंगे, लेकिन सरकार जो है वो हम बनाएंगे। सरकार कैसे बनेगी ये बताइए आप, मैं बता देता हूँ। किस स्थिति खराब है उनके साथ मिले ना तो ना आप ना तो भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से आ सकती है और ना कांग्रेस आएगी। कांग्रेस में तो एक को टिकट मिलेगी, जो बाकी 49 व्यक्ति होंगे वो उसको हराने में लग जाएंगे। जब उसको हराने में लगेंगे तो हमारा कैंडिडेट जीत करके आएगा। पर आप पर तो आरोप ये लगा रहे हैं आपके विरोधी कि आपने जो गठबंधन किया है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो वर्ग छिटक कर जा रहे थे बीजेपी से, उसको एक तरफ आपके गठबंधन में वोट जाएंगे और दूसरी तरफ। ये ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं राजनीतिक दलों में। कांग्रेस तो हाशिए पे थी, आज ठीक है कांग्रेस का छोटा मोटा ग्राफ है, लेकिन जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं उनसे ये तो पूछो कि तुम अपना पिछला इतिहास तो पढ़ लोगे एक बारी, तुम कहाँ खड़े थे हमारे आगे। अगर कांग्रेस आपको ऑफर करती कि हम सब मिलकर इकट्ठा चुनाव लड़े तो आपको कोई एतराज नहीं था कांग्रेस के साथ जाने में उस वक्त? नहीं अभी लोग विधानसभा मैं उस वक्त की कर रहा हूँ, मैं विधानसभा आज नहीं जा सकते हम कांग्रेस के साथ। सरकार बनेगी कांग्रेस की अगर, तो भूपिंदर हुड्डा ही तो बनेंगे ना मुख्यमंत्री, क्योंकि लड़ाई उनके अंदर भी काफी। नहीं बन सकता मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, कभी नहीं बन सकता। तो कौन आपको लगता बनेगा, आपकी पसंद कौन है? हम बनेंगे भाई। अच्छा, की बात कर रहे कौन बनेगा? लेकिन अभय जी वो कह रहे हैं कि मैं अपने चाचा, मतलब अभय जी को मैं सीरियस पॉलिटिशियन ही नहीं मानता हूँ। मुझे सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता तो आज यहाँ नहीं पहुँचता। एमपी किसने बनाया था, इसके बाप को एमएलए किसने बनाया, इसकी माँ को किसने बनाया, उनसे ये पूछ लो ना आपका। पर क्या दोबारा तेरी माँ को राजनीति में लाने वाला कौन था, तेरे को एमपी बनाने वाला कौन था, तेरे बाप को डबाड़ी से एमएलए किसने बनाया था? पर क्या हो गया, आपको लगता नहीं है कि परिवार की फूट का फायदा बाकी सबको मिल गया? परिवार की फूट का फायदा नहीं मिला, ये हमारी पार्टी की टूट का फायदा मिला है। क्या दोबारा एक परिवार? तो इससे पहले चौधरी रणजीत सिंह छोड़ के गया था ना पार्टी, हाशिए पे आ गया था। अब जी क्या हुआ कि आपने किसानों की बात की, लेकिन खिलाड़ी भी मुझे याद आता है कि आपकी खेल नीति के बड़े प्रशंसक रहे जब यहाँ पर था। अभी जब विनेश और बजरंग उनका भी आपने मुद्दा जोर शोर से उठाया था, पर अभी कांग्रेस चले गए दोनों। देखो वो उनका अपना सोचने का तरीका है, हमने खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। राजनीति में खिलाड़ी जब किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो खिलाड़ी नहीं रह जाता, फिर वो उस पार्टी का एक कार्यकर्ता बन जाता है। राजनीति खेल खेल के आड़ के अंदर अपने आप को राजनीति में पनपाने का काम, उनको अपने आंदोलन को आपको लग रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं अगर वो राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव खेल लड़ के रहे साथ है, वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी एक सवाल है, दुष्यंत चौटाला भी चौधरी देवीलाल की विरासत पे अपना अधिकार बताते हैं और उनको कहते हैं कि उनके जो विचार थे उनकी सोच थी उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और आप भी असली कौन है इसमें? क्योंकि लोगों को चौधरी देवीलाल को विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तो रणजीत सिंह ने भी कहा था, कहने से थोड़ी बढ़ती है। तो असली कौन है? मैं बैठा हूँ ना, दिख नहीं रहा आपको? हमेशा वो चौधरी देवीलाल की बात करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल की विरासत को कोई आगे बढ़ा रहा है, किसी ने आगे बढ़ाया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। चौधरी देवीलाल को इस बात का विश्वास था कि तेरे बाद तेरी लेगेसी को कोई आगे लेके जाएगा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ले जाएगा। उन्होंने इसीलिए अपनी विरासत उनको सौंपी थी और उनको ये था कि भी हरियाणा के लोगों को इसके ऊपर विश्वास रहेगा।